कभी कभी दिल की बातें कर लेनी चाहिए। और आज दिल की बातें होंगी सिट्रन C3 के साथ कि कैसी है यह, एक्सटीरियर से, इंटीरियर से, बूट स्पेस, इंजन, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंक्लूजन सब बातें करेंगे इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ डिटेल ड्राइविंग एक्सपीरियंस C3। शुरुआत करते हैं इस चाबी के साथ जिसमें कि लॉक अनलॉक का बटन है और सीधे की दे रखी गई है यूज करने के लिए। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है इसका डिजाइन, लेकिन बड़ी साइज का है, शायद जेब में रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बात करें एक्सटीरियर की कि देखने में कैसी लग रही है, यार मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ इसके बारे में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिट्रन ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके थ्रू कुछ खास मीडिया हाउस को यह कार आम व्यूअर्स को हम सबसे पहले दिखाने का मौका मिल गया, जिसका मैं अपोज कर रहा हूँ। और उस अपोज का नतीजा ये है कि मैं सिंबॉलिक एक्सटीरियर इंटीरियर बूट स्पेस का बायकॉट कर रहा हूँ, यानी मैं उसको आपके साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहा हूँ, ताकि कम से कम सिट्रन को ये महसूस हो कि जरूरी था कि सारे मीडिया हाउस को एक बराबर समझा जाए और उनको भी एक बराबर एक ही टाइम पर मौका दिया जाए अपनी बात कहने का, अपनी ओपिनियन कहने का, ना कि कुछ खास सो कॉल्ड बड़े मीडिया हाउसेस जिनका कोई वजूद बचा नहीं है पब्लिक में, उनको पहले मौका देकर। तो बस ये सिंबॉलिक बायकॉट है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन हमारे लॉयल व्यूअर्स को इसका एक्सटीरियर इंटीरियर और बूट स्पेस के बारे में डिटेल ओपिनियन मिलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद अगले वीडियो में। हाँ, यानी उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी और वैसे ही अनबायस्ड रहेगा जैसे हमेशा रहता है। तो फिर शुरुआत क्या करते हैं इसके इंजन से, क्योंकि वही बाकी रह गया था बात करने के लिए। आइए, सिट्रन C3 में आपको मिलते हैं दो तरह के इंजन ऑप्शन। जो मैं इस समय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वह है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और यह टर्बो चार्ज के साथ है, अंडर 10 PS की पावर देता है और बहुत बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है। किन किन जगहों पर यह लैग करता है वह भी बात करेंगे, लेकिन अपने ड्राइविंग सेक्शन में फिलहाल बता दूं कि इंजन लेआउट की बात की जाए तो टर्बो इंजन होने की वजह से इस इंजन के ऊपर कवरिंग दे रखी गई है और बाकी पूरा पूरा नेकेड लगता है देखने में। कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है क्योंकि ये वाइट कलर की कार है जिसपे ब्लैक कलर के वायर चारों तरफ फैले हुए हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है किसी डार्क कलर में यह उतना फील ना आए, बेहतर होता कंपनी इस हिस्से को और इस हिस्से में थोड़ी सी कवरिंग का इस्तेमाल करती, हालांकि कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च हो जाते, लेकिन इंजन लेआउट देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है। लेकिन क्या लेआउट सचमुच में इम्पॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कवरिंग जो उन्होंने दी है, ताकि वाइब्रेशन और हीट कम बाहर आए और आपको कम नॉइज सुनाई दे। और उसकी बात करते हैं ड्राइविंग सेक्शन में। ओवरऑल मैं इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर खुश हूं, लेकिन ड्राइविंग सेक्शन में बताऊंगा कहां कहां पे क्या क्या थोड़ी थोड़ी बातें मैंने नोटिस की हैं। हाँ, इसको सपोर्ट करता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन वो नॉन टर्बो वर्जन के साथ आता है। शुरुआत करते हैं ड्राइव से। सिट्रन C3 की ड्राइव के बारे में बात करूं तो मैं इस समय ड्राइव करता हूं 1.2 लीटर टर्बो चार्ज वेरिएंट। हमेशा की तरह विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बोनट भी काफ़ी दिखाई देता है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर से भी दिखाई देता है अच्छे से और IRVM से भी पीछे का हिस्सा अच्छे से दिखाई देता है। तो फिर कमी कहाँ पर है? कमी है इसमें कि यह मैन्युअली एडजस्ट है, यहाँ वाला तो हो जाता है, वहाँ वाले को दिक्कत होती है सेट करने में। दूसरा, इसमें भी डे नाइट का ऑप्शन नहीं रखा गया है, एटलीस्ट टॉप एंड वेरियंट में तो आना चाहिए था, ये मैं मिस कर रहा हूँ दो चीज़ों को। लेकिन बाकी सब विजुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई शिकायत नहीं लगती है इस कार में। क्वालिटी, बिल्ट, फिट एंड फिनिश,
ये चीजों पर अगर गौर किया जाए, मटेरियल क्वालिटी भी, तो वैसे तो कंपनी इसको किसी सेगमेंट में नहीं मानती है, लेकिन काइगर मैग्नाइट से बेटर है और पंच से किसी मामले में कम नहीं लगती है बिल्ट के मामले में। अब जो रहा सहा दो चार चीजें और बाकी अगर उनकी बात की जाए, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बिल्ट है, लेकिन ये बिल्ट प्राइस को जस्टिफाई करनी चाहिए कि क्या इसकी प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग अभी है नहीं, तो मेरे लिए इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। अब आपसे बात कर लेता हूं ड्राइव करते समय राइड क्वालिटी की। मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी है, छोटे मोटे गड्ढे पता ही नहीं चलते हैं, स्मूथली निकल जाती है, बड़ी गड्ढों में भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़ा मुझे अप्रोच एंगल को लेकर शिकायत है कि जब अचानक से आपको एकदम से ऊंची वाला हिस्सा आ जाएगा तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन मैंने ऐसी जगह जितनी मुझे मिली गोवा में, मैंने सब पर चढ़ाए कि किसी पे भी एक बार भी नहीं फंसी, लेकिन देख के लगता है कि कुछ थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। तो लेकिन एक्सपीरियंस कोई ऐसा बुरा नहीं मिला मुझे, तो मेरे हिसाब से ठीक है। वो भी हैंडलिंग अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है, और अच्छी हो भी सकती थी, थोड़ी सी और बेटर हो सकती है, लेकिन वो राइड अच्छी है तो हैंडलिंग थोड़ी टेंपर हो जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक को लेकर मुझे थोड़ी सी शिकायत है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप सिट्रन के पास है कि थोड़ी और बेटर स्टीयरिंग प्रिसाइज हो जाती है। हालांकि एक अच्छी चीज़ है वो ये कि स्टीयरिंग छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पहुँच जाती है तुरंत, जरा सा भी टाइम नहीं लगता इसको, बड़ी आसानी से पहुँच जाती है और अपनी जगह स्टेबल भी रहती है, भटकती नहीं जल्दी। अगर आपने जैसे थोड़ी देख ली, मैंने हाथ अलग कर लिया, तो अपने आप चलती रहेगी, भटकेगी नहीं। ये कुछ अच्छी चीज़ है भी इसके साथ शामिल है। एसी बहुत अच्छा है, काफ़ी जल्दी अच्छा कूल कर देता है और बहुत ज़्यादा नॉइजी भी नहीं है, और आपको रियली अच्छा लगेगा इसे यूज करते समय। एक और इम्पॉर्टेंट बात, म्यूजिक सिस्टम, जिसकी सब कोई बात करते हैं। देखो 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा म्यूजिक सिस्टम, बेहतर म्यूजिक सिस्टम, अच्छा गुड लुकिंग म्यूजिक सिस्टम, क्या आवाज़ भी उतनी अच्छी देता है? तो देखो ध्यान से समझना, तीनों फ्रिक्वेंसी का लेवल, हाई अच्छा है, मिड अबव है, और जो लो फ्रिक्वेंसी है जिसमें बेस आता है वह काफ़ी कम है। तो हो सकता है कुछ लोगों को जिनको बेसी म्यूजिक पसंद है उनको थोड़ा सा मजा कम है, और जिनको प्योर म्यूजिक पसंद है उनको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगे। ओवरऑल म्यूजिक अच्छा है, आपका एंटरटेन कर लेगा, लेकिन क्वालिटी म्यूजिक नहीं। टच का रिस्पॉन्स अच्छा है, देखने में भी स्क्रीन अच्छी है, जबरदस्ती का ग्लेयर नहीं है कि रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा दिखाई दे, उस तरह की शिकायतें इसके साथ नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि म्यूजिक सिस्टम का एक्सपीरियंस आपको खुश कर रखेगा। और दूसरी, यहाँ पे खूब सारे क्यूबी होल्स दे रखे गए हैं, मोबाइल रखना, बॉटल रखना, ग्लास रखने उनके लिए, और जिसकी वजह से काफ़ी इजी हो जाता है। और पीछे के भी शीशों को एडजस्ट करने का स्विच यहाँ पर पीछे दे रखा गया है, जो इजी है अगर आपको आदत पड़ जाए तो, वरना शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन अप्रोच में है सभी के। मैं गोवा में ड्राइव कर रहा हूँ, गोवा की खासियत है कि यहाँ ख़राब सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं, वरना काफ़ी अच्छी सड़कें हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो हमने ढूंढ ढूंढ के ख़राब सड़कें निकाली हैं, वहाँ भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट। इंजन से पहले मैं बात कर लूँ आपसे सीट कंफर्ट की, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात होती है। हम लंबी जर्नी करते हैं और अक्सर देखते हैं लोग कमर टेढ़ी हो जाती है उनकी, वो शिकायत आपको सिट्रन में नहीं मिलेगी। मैंने सिट्रन C5 में भी ये बात नोटिस की थी कि सीटें काफ़ी अलग ढंग से इन्होंने डिजाइन की हैं, और वो सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है। कंपनी इसको बी हैच कह के बुलाती है, अब बी हैच में इतना अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, इतनी बेहतरीन सीटिंग मिलेगी, तो फिर लग्जरी कार वालों को क्या कहा जाएगा? मैं यहाँ पर रियली काफ़ी खुश हूँ। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स वाले ऑप्शन नहीं उपलब्ध है, अफसोस, लेकिन ठीक है, कंपनी इसकी प्राइसिंग अगर जो ये छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग से कम कर लेती है, कंज्यूमर के रीच में पहुंचा देती है, तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और अगर नहीं पहुंचा पाती है तो क्रिटिसाइज करने का मुझे मौका मिल जाएगा। सिटी में ड्राइव करना कैसा है, तो पहले यूटर्न देखते हैं इसका। बहुत इजी,
मैं इसे काफी चला चुका हूँ, लेकिन बिहेव ऐसा करना पड़ता है कैमरे के सामने जैसे पहली बार आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत यू टर्न ले लिए, कहीं दिक्कत नहीं आई है मुझे। इंजन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टर्बोचार्ज्ड इंजन, परफॉर्मेंस अच्छी, 190 Nm का टॉर्क काफ़ी पंची बनाता है इसको। BHP भी अच्छा है जिससे आपको टॉप स्पीड अच्छे से कवर हो जाएगी। लेकिन इस इंजन को सपोर्ट देता है यह 6 स्पीड का गियरबॉक्स जो 30 और 40 की स्पीड तक फ्रीक्वेंट शिफ्ट मांगता है। फ्रीक्वेंट शिफ्ट का मतलब समझे आप, पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, ये फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग थोड़ा सा आपको परेशान करेगी क्योंकि बार बार चेंज करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चौथे गियर के बाद फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, फिर इतना ज़्यादा इसके भीतर रेंज मिल जाती है आपको कि आप चौथे गियर पे ही काफ़ी लंबी दूरी तक चला सकते हो, 60, 70, 80, 100 मस्त होके चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 30, 40 भी से भी अच्छा सा काम करने लगता है। और वैसे ही पाँचवें गियर पर और वैसे ही छठे गियर पर, छठे गियर बस आप 60 से नीचे मत जाइए, आपको अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। यानी गियर शहर में आपको बार बार लगाने पड़ेंगे। लेकिन बात सिर्फ गियर की ही नहीं है, एक और भी बात है, वो बात है इसके क्लच की। क्लच थोड़ा सा 20% ज़्यादा हार्डर है कुछ अच्छे क्लच से, लेकिन कई ऐसे क्लच आते हैं इंडिया में उनसे बेटर भी है, जो लगभग इसी प्राइस ब्रैकेट में होंगे उनसे बेटर भी है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी शिकायतें नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था क्लच, और थोड़ा स्टीयरिंग भी थोड़ा और लाइट भी हो सकता था एक्यूरेट होने के साथ साथ। ये दो चीज़ें इसको ज़्यादा बेटर सिटी कार बना देती, हालांकि यह हाईवे पे कहीं ज़्यादा बेटर है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा निराश हूँ। अब मैं निराश हूँ लेकिन कई लोग खुश भी होंगे क्योंकि उनको इतनी भी नहीं मिलती होगी। यह सिटी में मुझे 12-13 की ही फ्यूल एफिशिएंसी दे पा रही, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। हालांकि कई लोग 12-13 से खुश हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनकी ज़्यादा भूख है माइलेज की, उनको हो सकता है थोड़ा निराश होना पड़े। हाईवे पे यह आसानी से आपको 18-19 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। फ्यूल टैंक इसका कुछ छोटा है, सिर्फ 30 लीटर का है, और 30-32 लीटर ही आप इसमें फ्यूल भरवा सकेंगे, और उस पर आप आसानी से 500-550 किलोमीटर की रेंज पा सकते हैं। अगर आप अच्छे से ड्राइव करते हैं तो इतनी रेंज आपको आसानी से मिल जाएगी, जो मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी रेंज कही जाएगी। खरीदना चाहिए या नहीं, उससे पहले सेफ्टी, ABS, EBD मौजूद है, ब्रेक्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल भी अच्छा है, और हालांकि कोई क्रैशटेस्ट रेटिंग मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है इस गाड़ी का जो स्टांस है और जो A+ और की सेफ्टी और इसकी बिल्ट देख के लगता है, और उसको देख के मुझे लगता है कि अगर क्रैशटेस्ट रेटिंग भी अगर होगी तो वो भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात ओवरऑल सेफ्टी की, जिसे मैं असली सेफ्टी कहता हूँ, उसमें ब्रेक्स गुड जॉब, हैंडलिंग अच्छी है, कंट्रोल अच्छा है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, भले सिटी में ड्राइव करने में थोड़ा टफ हो लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और आपको भीतर फील भी सॉलिड आता है, यानी आपको भीतर बैठ के डरावना फील नहीं आता है, जो इसका प्लस पॉइंट है। जबकि कई गाड़ियों में जिनकी क्रैश टेस्ट रेटिंग 4 और 5 स्टार है, उनमें बैठ के थोड़ा सा हड़बड़ी घबराहट मौजूद लगती है, वो यहाँ पर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अच्छा फील करेंगे ड्राइव करते समय। चलो अब थोड़ा मुक्कालात करते हैं कंक्लूजन में कि वहाँ मेरी क्या ओपिनियन है खरीदने से ठीक पहले। हाँ यार, मस्ती वाला माहौल यहाँ भी है क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना है गोवा शहर का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपसे करनी इस कंक्लूजन में, मैं बोनट पर जानबूझ के बैठ गया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि यह 72 kg का वेट भी आसानी से कैरी कर ले रहा है, यानी यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, और रियली थोड़ा मौसम ने रोमांटिक भी बना दिया है। और वैसे भी गोवा शहर ही ऐसा है जहाँ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ
घूमने आते हैं, क्योंकि बीबी के साथ घूमने तो वैष्णो देवी जाते हैं, गोवा आते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, और मैं आया हूँ अपनी गर्लफ्रेंड सी3 के साथ, जो देखने में रियली गुड लुकिंग है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो है, तो फिर बात की जाए कैसी है ये। देखो इंजन अच्छा है, कुछ जगहों पर फ्रीक्वेंटली आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ों में भीतर का फील अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। कार पे जब बैठ के ड्राइव करेंगे तो आपको कमांडिंग पोजीशन मिलेगी। इंडियंस क्या चाहते हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, कमांडिंग पोजीशन, बेहतरीन लुक्स, और ये सब कुछ मिलता है उनको सी3 के साथ। बस क्या नहीं मिलता है, वो नहीं मिलती है इसकी प्राइसिंग, तो मैं यह शेयर नहीं कर सकता कि यह वैल्यू फॉर मनी प्रीपोजिशन में है या नहीं, लेकिन एक बात क्लियरली कह सकता हूँ कि कार बहुत अपील करने वाली है इंडियन मार्केट में। कुछ छोटी छोटी सी कमियां भी थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है। मेरी ओपिनियन भाई, इंतजार करते हैं इसकी प्राइसिंग आने का, जो कि आ रही है 20 जुलाई के आसपास, और उस समय मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा कि ये रियली बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि अभी यही पता नहीं चल पा रहा है कि इसकी प्राइसिंग का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सिट्रन का बेसिकली इंडिया में यह दूसरा प्रोडक्ट है, और मेड इन इंडिया की बात आएगी तो 95% लोकलाइजेशन के साथ यह पहला प्रोडक्ट। तो फिर क्या बात की जाए, खरीदा जाए या नहीं, मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए, बस सस्ते इसकी अच्छी प्राइसिंग आ जाए, तो प्राइसिंग का वेट करते हैं। हाँ, आपको ये मेरी अनबायस्ड ओपिनियन कैसी लगी, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ यह भी बताइए यह रिव्यू वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है ठोक के डिसलाइक मारिए बगैर किसी संकोच के। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन जिसने ऑन नहीं किया है, नेताओं वाली बात मत करो कि केवल बातें बनाओ, ऑन करके जाओ, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो की खबरें पहुंचती रहे। देखते रहिए आस्क कार गुरु।